10% मिला हुआ है, हम उनकी भी बात करते हैं, तो आरक्षण के प्रावधानों में ये सब लोग कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है, और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगामी आने वाले जो भारत के अन्य राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, खासकर झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो आगामी नवंबर दिसंबर में होने वाले जो चुनाव हैं विधानसभा के उसमें चुनाव लड़ेगी। लोजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल झारखंड के राजधानी रांची में आयोजित था, इसमें यह निर्णय लिया गया है, और इसकी जानकारी जो लोजपा रामविलास के जमुई से सांसद हैं अरुण भारती वो दे रहे हैं। अरुण भारती ने यह भी कहा कि कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव रखा गया जिसको पास किया गया है, जैसे वक्फ बोर्ड कानून को लेकर भी चर्चा किया गया है, लेटरल एंट्री को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा किया गया है। आपको बता दें कि कल रांची में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित थी, उसमें चिराग पासवान को पुनः लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। 5 वर्षों के लिए चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। 2021 में जब पार्टी 2 गुटों में बटी थी उस वक्त से चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के थे, उससे पहले 2019 में वो जब लोजपा संयुक्त रूप से थी उस समय अध्यक्ष के तौर पर पहली बार चुने गए थे, और फिर चिराग पासवान 5 वर्षों के लिए अध्यक्ष के तौर पर चुने गए हैं। कार्यकारिणी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव अन्य राज्यों में जो होंगे उसमें लड़ने का निर्णय लोजपा रामविलास ने किया है। क्या कुछ कहना है अरुण भारती का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। इस बारे में हमको जानकारी दे रहे हैं, तब मैं आपको टिप्पणी करके बताऊंगा। किसने कहा बिहार का चुनाव थोड़ी हो गया जो आपको पता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है? ठीक है, पिछले 3 चुनावों में जो भी हुए अभी का आप देखिए कि जिस तरह से हमारे राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं, जनता के मुद्दों को बड़ी प्रखरता से उठाने में लगे हुए हैं, और समाज की जो भी चिंताएं हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, उसको उठा करके सरकार में रहते हुए भी मुद्दों को उठा करके सरकार के सामने रहते हैं, उनको समझाते हैं और एक ऐसा समाधान लाने की कोशिश करते हैं जो सभी पक्षों को मंजूर हो, तो ऐसे में वो सफल रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि अभी बिहार विधानसभा का चुनाव आने दीजिए, भले ही पिछले चुनावों में जो भी रिजल्ट रहा हो आगे आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिखेगा। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। बहरहाल अगर कोई भी ऐसा कार्य सरकार की तरफ से किया जाता है जिसमें अलग अलग समाजों की अपनी अपनी चिंताएं और कंसर्न सामने आती है, तो एक अलाय होने के नाते, एक गठबंधन का दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि उन सारी चिंताओं को, कंसर्न्स को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा जाए और उनको समझाया जाए कि उस समाज की चिंताओं को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, और ऐसे में प्रधानमंत्री जी भी सारे समाज की जो समस्याएं हम रखते हैं या कोई भी अलाय रखता है उनको सुनते हैं और उस पर फिर वो समस्याओं का समाधान भी करते हैं। आपने ऐसा भी निकट इतिहास में भी देखा होगा। 10% मिला हुआ है, हम उनकी भी बात करते हैं, तो आरक्षण के प्रावधानों में ये सब लोग कवर हो जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद पार्टी जो है अपने भविष्य के लिए वहीं पे तय हुआ एक रोड मैप लेकर के चल रही है, और हम लोग विभिन्न राज्यों में अपनी पार्टी का दायरा जो है उसको बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी जो अभी आगामी आने वाले चुनाव हैं अलग अलग राज्यों में उसको लेकर के भी हम लोग उसमें अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं, और ख़ास करके जो झारखंड राज्य है
जहां हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी भी चाहते थे कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो, हमारे लिए वहाँ MLA MP बने। हम लोग वहाँ पे बहुत इच्छुक हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी इस पर चर्चा हुई है, और चर्चा होने के बाद वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप ये सुनिश्चित करें कि पार्टी झारखंड में जो चुनाव है गठबंधन के अंदर लड़ेगी या फिर गठबंधन के बाहर लड़ेगी या अकेले लड़ेगी, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। इसके अलावा साथियों एक और भी मुद्दा है, ये जिसपे अभी पीछे राहुल गांधी जी ने भी कास्ट सेंसस पे उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने भी एक मुद्दा उठाया हुआ है। हमारी पार्टी भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन हम लोगों के कुछ सवाल हैं। आपको याद होगा कि जो पहला कास्ट सेंसस भारत में हुआ था वो 1931 में हुआ था। इसके बाद जो दूसरा कास्ट सेंसस हुआ वो हुआ 2011 में। इस बीच में अधिकतर समय कांग्रेस ही सरकार में थी, तो उन्होंने इस पूरे वक्त में क्यों नहीं कास्ट सेंसस कराया? राहुल गांधी जी आज बोलते हैं कि हम लोगों को जातीय जनगणना कराने की बात है। जब 1947 से लेकर के लगभग 11 तक बीच का कुछ समय छोड़ दें तो कांग्रेस ही सत्ता में रहती, क्यों नहीं उन्होंने कास्ट सेंसस कराया? और 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ भी था उसके रिपोर्ट को प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? आज जब राहुल गांधी जी बड़ी ही प्रमुखता से इस सवाल को उठाते हैं तो एक बार उनको अपने पीछे घूम करके अपने सरकारों के द्वारा लिए गए फैसलों को भी देखना चाहिए जाति जनगणना के बारे में। उसके बाद ये बताइए कि कांग्रेस की आज भी कई राज्यों में सरकारें हैं, सरकार होने के बाद क्या राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि अभी किन किन राज्य के सरकारों में वहां कास्ट सेंसस हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? इस मामले में जब बात उनके ऊपर आती है, उनके सरकारों के ऊपर आती है, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, तब चुप भी साध लेते हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति को एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है, और वो खास करके तब ऐसा करती है जब उसको दिख रहा होता है कि चुनाव आ रहे होते हैं। जैसे अभी हरियाणा में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, अलग अलग राज्यों में चुनाव है, तब खासकर करती है और इस मुद्दे को उठाती है, और उठा करके जब ये मुद्दा एक बार खत्म हो जाएगा फिर वापस ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये जब शुरू हुआ था पार्लियामेंट तब भी हमने देखा था कि उन्होंने एक दलित को ये उम्मीदवार बनाया था स्पीकर के लिए, के सुरेश जी को, लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो गया उसके बाद से मामला दब गया, उसके बाद से कहीं आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सब मुद्दे थे जिसपे आप लोग को अपडेट करना था, और मुझे यकीन है आप लोगों को भी कुछ सवाल होंगे इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। आप सभी को सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा ये है कि कल रांची में पार्टी की एक बहुत बड़ा का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें रांची में ही इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी रखने का एक बड़ा मकसद भी था। और इसमें आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, उनका टर्म पूरा हो रहा था, कार्यकाल पूरा हो रहा था। उसके बाद जो अगले 5 सालों के लिए जो चुनाव होना था वो रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को रखा गया। इसके अलावा हमारे कुछ प्रस्ताव भी थे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देने थे, पिछले कुछ दिनों में जो हमारा स्टैंड रहा है उसको लेकर, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के उसको भी रखना था कार्यकारिणी में, उसको पारित करवाना था। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अगले 5 सालों के लिए सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुन लिया है, और जब अध्यक्ष चुने गए उसके बाद उन्होंने जो उनका और पार्टी का हमारे संस्थापक का जो प्रेरणा स्रोत रहा है, उन्होंने अपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों और बिहार के लोगों के मुद्दों को उठाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराई है, और हम लोगों को शपथ भी दिलाया गया है कि इस मामले में
हम लोगों को सजग रहना है, ऐसे मुद्दों को उठाते रहना है। इसके अलावा कुछ प्रस्ताव पारित हुए पिछले कुछ दिनों में, जो या तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था जिस पे पार्टी का स्टैंड रहा, या वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पे जो हम लोगों का स्टैंड रहा है। क्योंकि मैं खुद वक्फ बोर्ड के JPC का मेंबर हूँ, हमारी पहली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हम लोगों ने बड़ी ही मजबूती से मुस्लिम समाज की जो चिंताएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी कुछ कंसर्न्स थे, उसको हम लोगों ने JPC में रखा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा है। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो भी संबंधित पक्ष हैं उनको बुलाया जाए, उनसे बात की जाए, उनके विचारों को सुना जाए और उनकी जो भी चिंताएं हैं उसको लेकर के उसको एड्रेस किया जाए। इसके अलावा मैं वेलफेयर ऑफ SC/ST कमेटी का भी मेम्बर हूँ और उसमें जो अभी जहानाबाद में और मुजफ्फरपुर में घटनाएं हुई थी उसको हम लोगों ने उठाया। इसके अलावा जो लैटरल एंट्री वाला जो मामला था जिसमें आरक्षण के प्रावधानों का आगे से ध्यान रखा जाए, इस मामले को उठाया गया है और उस पर एक अलग से कमेटी भी अपनी तरफ से जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आगे से कोई भी सरकारी नियुक्तियाँ होगी उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। साथियों, ये जरूरी है जानना कि लैटरल एंट्री की जब हमारी पार्टी बात करती है तो सिर्फ वो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की ही बात नहीं करती है। आरक्षण के प्रावधानों में जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, अति पिछड़ा हैं, उनके भी अधिकारों की बात करते हैं। उसमें जो EWS है,